जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ राजभवन पहुंची कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, हटाए बैरिकेड, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। ईडी द्वारा राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के खिलाफ देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजधानी शिमला में भी कांग्रेस इसके विरोध में राजभवन पहुंची और राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्षीय नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने और लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सेना भर्ती नियमों में संशोधन पर हिमाचल में बवाल, पीएम के रोड शो से पहले कई जिलों में उग्र प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती के फैसले का हिमाचल प्रदेश में जोरदार विरोध हो रहा है। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी के धर्मशाला में रोड शो से ठीक पहले युवाओं ने कांगड़ा के गग्गल, हमीरपुर व मंडी जिले में जमकर प्रदर्शन किया। सेना भर्ती नियमों में संशोधन से गुस्सा युवाओं ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज किया। कई जगह पुलिस ने धक्का मुक्की व नोकझोंक भी हुई। वहीं हाथ में तिरंगा लेकर मंडी के सेरी मंच पर भी युवाओं ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव शुरू, केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष की गुरुवार को शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर के मुख्य सभागार में शुरुआत हो गई। इसका उद्घाटन केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कवार और हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उद्घाटन अवसर पर जाने माने विद्वान और जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य के भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साहित्य के बिना भारत ही नहीं विश्व का हाहाकार मिटाया नहीं जा सकता है। 2555 एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रूपए बढ़ोतरी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवारत 2555 एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रूपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 अप्रैल 2022 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा की शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार टीजीटी और पीजीटी को अब 14,978, जेबीटी को 10,000 और सीएनटी को 11,609 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। धर्मशाला में पीएम मोदी का रोड शो, लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को धर्मशाला पहुंचे। पीएम ने धर्मशाला शिक्षा बोर्ड से लेकर केसीसी बैंक चौक तक खुली जीप में रोड शो भी किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने फूल बरसाकर पीएम का स्वागत किया। रोड शो के दौरान सड़क किनारे खड़े लोग पीएम मोदी पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाते रहे, तो वहीं पीएम भी अपनी गाड़ी से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने वालों पर बरसेगा धन, स्वर्ण पर 1,00,000 पुरस्कार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हिमाचल प्रदेश सरकार नकद पुरस्कार से सम्मानित करेगी। स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी को 1,00,000 रजत पदक पर 70,000 और कांसे लाने वाले खिलाड़ी को सरकार 40,000 रुपए का पुरस्कार देगी। हरियाणा के पंचकुला में पिछले दिनों हुए प्रतियोगिता में हिमाचल ने 3 स्वर्ण समेत 6 पदक हासिल किए हैं। इन सभी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार मिलेगा। कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर ईडी पर दबाव बनाने के साथ लोगों को गुमराह करने का कर रही प्रयास, रणधीर शर्मा। कांग्रेस नेता अपने नेतृत्व को प्रवर्तन निदेशालय से बचाते हुए आम जनता को सुविधा का कारण बना रहे हैं। ईडी एक पारदर्शी जांच कर रहा है और जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह बात शिमला में बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि आरोपी प्रवर्तन निदेशालय पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चोर मचाए शोर की पुरानी कहावत को कांग्रेस ने साबित कर दिया है। टीओडी के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा, सेना में नए भर्ती नियमों का किया जा रहा विरोध। सेना में नए भर्ती नियमों के विरोध में हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज दर्जनों युवाओं ने सड़क पर उतरकर टीओडी यानी नए भर्ती नियमों का विरोध जताया। नाराज युवाओं ने ऐतिहासिक चौगान मैदान से लेकर डीसी कार्यालय तक रोष रैली भी निकाली। कुछ युवाओं का कहना है कि 2 साल पहले वह सेना भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट और मेडिकल प्रक्रिया से गुजरे हैं, मगर अभी तक उनकी लिखित परीक्षा नहीं करवाई जा रही है। विधायक बिंदल ने कालाब क्षेत्रों को दी सौगाते, करोड़ों की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। नाहन के भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल आज नाहन विधानसभा के कालाब क्षेत्र के दौरे पर रहे। अपने इस दौरे के दौरान विधायक राजीव बिंदल ने इलाका वासियों करोड़ों रुपए की सौगाते दी।
विधायक बिंदल ने मोगी नंद नागल सुकेती सड़क पर मारकंडा नदी पर 11 करोड़ की लागत से बनने जा रहे पुल व कालाम में निर्मित होने वाले पशु औषधालय का भूमि पूजन करने के बाद 50 लाख की लागत से बनने वाले लोक भवन का शिलान्यास भी किया। प्रदेश में आज से भारी बारिश का अलर्ट, तेज आंधी के साथ 19 तक झमाझम। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज से 19 जून तक बारिश के आसार है। बारिश के साथ तेज आंधी चलने की संभावना भी जताई जा रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश में बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने के आसार है।